वो तो अभी बोल रहे कि उसको हटा दिया, पहले से हमको पता था, इसीलिए तो मैंने शुरू से ही पूछा। इफ यू लिसन टू माई स्पीचेस इन जून जुलाई अगस्त, मैंने कहा कि मणिपुर का लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ पे है, हु इज इन चार्ज ऑफ मणिपुर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, मैंने कब से पूछा ये। মণিপুরে হিংসা দমন করে শান্তি ফেরাতে ব্যর্থ বিজেপি সরকার মঙ্গলবার সোনাইয়ে এক অনুষ্ঠানে যোগদান করে সংবাদ মাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে এমনটাই মন্তব্য করলেন সেখানকার সাংসদ অঙ্গমচা বিমল অকুইজম। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, মণিপুরে বিজেপি সরকার ও কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে এক মঞ্চে আলোচনা করে এই হিংসা রোধ করতে সরকারকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে বলে মত ব্যক্ত করেন কংগ্রেস দল থেকে নির্বাচিত সাংসদ অগমচা বিমল অকুইজম। দেখে নেওয়া যাক তার বক্তব্য। স্থিতি ইজ মোর লেস দ্য সেম, আবি তক তো জাদা চেঞ্জ নেই আয়া, ফির সে শুরু হো গিয়া আর্সন, হাইওয়ে মে আর্সন হুয়া ইয়া ফায়ারিং ভিলেজেস মে आक्रमण किया है विलेज में, वो कंटिन्यू है, ब्यूरोक्रेसी स्प्रेड है। आप एक्स कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं तो वाई कम्युनिटी के जगह में आपको पोस्टिंग नहीं देते, पुलिस हो या सिविल सर्वेंट। मोर देन 60,000 पीपल आर स्टिल लैंग्विशिंग इन रिलीफ कैंप्स, तो स्थिति एक ही रहे अब तक, ज्यादा अंतर नहीं है पुराना। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या नाकाम है मणिपुर में शांति लाने के लिए? अभी तो आप लोग देख रहे हैं ना, ये तो नाकाम, तो पूछने वाली बात नहीं है, ये तो नाकाम नहीं होता तो सब नॉर्मल में बन जाता ना, नॉर्मलाइज हो जाता, अभी तो हुआ ही नहीं, पहले से ही रहा स्थिति। तो अभी शांति लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका क्या सुझाव? जो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खुद का जो एमएलए वगैरह को बुला के एक ही साथ बैठकर बातचीत करना चाहिए, क्योंकि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मणिपुर को तोड़ने का जो बात है, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी इसमें शामिल है ना, तो सबको एकता बैठकर पहले बात करना चाहिए। दे शुड टॉक अमंग देमसेल्फ फर्स्ट, द पॉलिटिशियन शुड कम टुगेदर एंड गवर्नमेंट शुड क्रैक डाउन, दे शुड ट्राई टू रेस्टोर लॉ एंड ऑर्डर। अभी तो इतना खराब हो गया इम्फाल में कि एक्सटोर्शन भी ज्यादा आ गया, दुकान बंद हो रहा है, अभी इकोनॉमिक फ्लाइट इन्वेस्टमेंट भी भाग के चला गया जो मणिपुर से, बहुत खराब है भाई। अच्छा, अभी रिसेंटली सिलचर में जो है ना, देयर आर पीपल हु डोंट वांट पीस, सो एनी एफर्ट दैट पीपल ट्राई टू ब्रिंग अबाउट नॉर्मलसी एंड पीस, दे डिस्टर्ब दैट। वही एग्रीमेंट साइन करने के बाद तुरंत एक दिन बाद फिर से जगह शुरू हो गया ना, विलेजेस अटैक किया गया और एक बॉडी ने वो मार बॉडी को भी डिसॉल्व किया गया ना, तो दे आर फोर्सेस व्हिच आर नॉट इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग पीस, ऑल दैट दे वांट इज ये स्थिति ऐसे ही बना रहे, तो आपका जो जो डिमांड भी हो जाएगा, सेपरेशन भी हो जाएगा, और यही यही हालत है अभी। तो उसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स आर नॉट एबल टू टेक एक्शन, अरे बात तो ये मैं बोल रहा ना, इसका कैबिनेट मिनिस्टर में देयर आर कैब मिनिस्टर्स हु आर डिमांडिंग द सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसको पहले बुला के बातचीत करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऑल अलोंग दिस 15 मंथ्स व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज इज दे लाइक अ डिवाइड एंड रूल, जैसा कुकी एमएलए को बुलाएगा सेपरेट, नागा को सेपरेट बुलाएगा, और जो मैतेई के एमएलए उसको चुपचाप रहने के लिए बोलेगा, ये क्या मामला है ये ना, एक ही बुला के बातचीत करना चाहिए ना, तो लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग इन दिस डर्टी पॉलिटिक्स, और हर चीज में बोलेगा कांग्रेस, कांग्रेस ने ये क्या, कांग्रेस, जब कांग्रेस उसको जवाब देना शुरू कर दोगे तो बोलेगा कि ये कांग्रेस बीजेपी का बात नहीं है, जब उसको कांग्रेस को बोलता है ना, जो मोदी जी बोलता है इसी तरह वो भी बोलता है ना, कांग्रेस ने ये किया उसी किया, तो पहले से उसने फेंसिंग नहीं किया ये किया, जब कांग्रेस उसको जवाब देने शुरू कर देगा तो बोलेगा कि ये बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, नो दिस इज अ फालतू। आप बोल रहे हैं कि अब पहले जैसा सीट सेम, मणिपुर का सीएम तो बोल रहा है असम राइफल से रिमूव करने के लिए बोल रहा है, ये तो अभी किया ना, ये बहुत पहले से है, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है लॉट ऑफ मैटर इज फील्ड दैट दे आर साइडिंग विद द अदर कम्युनिटी, दे हैव नॉट बीन हैंडल्ड इट। जो पेरिफेरी में भी है ना, हिंसा का मतलब क्या, सिर्फ फायरिंग से हिंसा नहीं होता,
जो 60,000 पीपल है और लिंगु सिंह उसके जो फादर इन लो मदर इन लो एक ही साथ पैक करके रखोगे, खाने पीने का ठीक से नहीं मिलेगा, यही एक फॉर्म ऑफ वायलेंस ये भी है ना। हमारा वायलेंस का डेफिनेशन क्या है? सिर्फ बंदूक चलाने से वायलेंस नहीं होता, आपको ह्यूमिलिएट करोगे। दिस आर वेरी ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस। 60,000 पीपल इस देश में कभी नहीं हुआ, पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में ऐसी हालत कभी नहीं हुआ। वेदर यू टॉक अबाउट पंडित, कश्मीरी पंडित के बारे में हो या जो गुजर आदमी हुआ, ऐसी हालत में कभी नहीं था ना। अरे भैया सरकार वो चला रही है ना, मैं तो बोल रहा है कि वो तो कोऑर्डिनेशन तो है ही नहीं ना। आपने वीडियो काफी देखा होगा ना, पुलिस और असम रेफल झगड़ा कर रहा है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? आप वो बताइए, दोनों स्टेट का फोर्सेस है ना तो दे मस्ट बी कोऑर्डिनेट, एक बॉडी है इसके उसके लिए भी यूनिफाइड हेडक्वार्टर करके कोऑर्डिनेट करने का बॉडी है। इसका मतलब क्या है? दे आर नॉट एबल टू गवर्न इट प्रॉपरली, कोऑर्डिनेट ठीक से नहीं कर पाया ना सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में। Police, army or paramilitary forces. ये state का institution आप उसको खराब कर दोगे, then क्या रह जाएगा state का? So this has been going on, but you know the CM must understand that he is in charge of that state. वो तो अभी बोल रहा है कि उसको हटा दिया, पहले ही से हमको पता था, इसीलिए तो मैंने शुरू से ही पूछा। If you listen to my speeches in June, July, August, मैंने कहा कि मणिपुर का law and order किसके हाथ पे है, who is in charge of Manipur's law and order situation, मैंने कब से पूछा ये। ठीक है।